हेलो साथी, वेलकम टू एग्जाम टेक्स। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका दोस्त सौरभ एक नया टॉपिक लेके। कौन सा टॉपिक? मध्य प्रदेश के परिवहन। यहाँ एमपी पुलिस और एमपी पीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो सारा का सारा डेटा है मैंने आपके सामने पूरा रख दिया है। बस आपको अच्छे से समझना है और कॉपी पे राइट करना है, ठीक है? तो आज मैंने लाया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश परिवहन। और आप सभी जानते हैं कि परिवहन तीन टाइप से होते हैं। कौन सा? एक तो रोड ट्रांसपोर्ट, एक रेल ट्रांसपोर्ट और एक एयर ट्रांसपोर्ट, और एक सी ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेकिन अक्सर जो सी ट्रांसपोर्ट है हमेशा व्यापार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? मेनली अगर हम बात करें कहीं पे मतलब अपना यात्री परिवहन के लिए, तो अपने तीन टाइप से ही ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ समझते रहिए। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 जून 1962 में। कब हुई थी? 1 जून 1962 में मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। और यहाँ अधिनियम मतलब कौन से अधिनियम के अंतर्गत? यहाँ अधिनियम मध्य प्रदेश परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत 1 जून 1962 को मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस सन में हुई थी? यहाँ हुई थी 1 जून 1962 में, ठीक है? चलो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं मैं जानता हूं कि 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगर हम बात करें जाएंगे मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, आप सभी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 64,923 किलोमीटर है। कितनी है? 64,923 किलोमीटर। उसमें भी अगर हम बात करी जाएंगी नेशनल हाईवे की, किसकी? नेशनल हाईवे की। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो कितनी पड़ जाएंगी अपने डिस्टेंस पूरी? ये पड़ जाएंगी 8010 किलोमीटर। कितनी? 8010 किलोमीटर टोटल क्या है लंबाई है किसकी? नेशनल हाईवे की। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो वहां कितनी है? 11,390 किलोमीटर, मतलब 11,389 किलोमीटर। और डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करी जाएंगे तो 22,129 किलोमीटर। आप बोलोगे सर ये तो 64,000 तो हो ही नहीं। और जो अदर रोड है मतलब अपनी ग्रामीण रोड और जो सिटी की रोड हो जाती है, तो उनको मिला के अगर हम इसमें अगर एड कर दिया जाए तो 64,923 किलोमीटर आपके सामने पूरा फिक्स आ जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व के बारे में, आप सभी जानते हैं कि जो 100 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत जो अगर घनत्व की बात करेंगे तो वहां कितना है एमपी में? वहां 31 किलोमीटर, मतलब पर 100 किलोमीटर में जो सड़कों का घनत्व वहां कितना है? वहां 31 किलोमीटर। अगर हम भारत की बात करेंगे तो वहां कितना है? भारत की बात करेंगे तो वहां है 83 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर में, ठीक है? और आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है एमपी का? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले जिला की बात करेंगे तो वहां आ जाता है सतना। आपसे से आप सतना याद रख सकते हैं, क्योंकि सड़क घनत्व से सतना आपको आराम से याद हो जाएगा। और सबसे कम सड़क घनत्व वाले जिले की अगर बात करी जाएंगे तो कितना? श्योपुर, ठीक है? देखो श्योपुर मतलब सोना, और जहां पे लोग सोए रहेंगे वहां पे घनत्व ऑलरेडी कम होगा ही, ठीक है? तो सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? श्योपुर का है, सड़क घनत्व में, ठीक है? अगर हम लंबाई की बात करेंगे कि पर 100 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो वहां कितनी है? 52 किलोमीटर, ठीक है?
और आपको एक चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाते हैं कि जो नेशनल हाईवे है उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी, उसकी बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, कौन बनाता है इन्हें, इन्हें बनाती कौन, केंद्र सरकार, नितिन गडकरी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, कमेंट्स करिएगा, मैं लास्ट में खैर आपको बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि नेशनल हाईवे की जो रख रखाव की जिम्मेदारी होती है वह किसके पास होती है, वह होती है केंद्र सरकार के पास, ठीक है। देखो हमने अभी बात करी ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि जितनी भी रोड है अपने भारत में, जितनी भी रोड है उसका सिर्फ 4% ही भाग किसका है, नेशनल हाईवे का है। मतलब अगर टोटल 100% रोड है तो उसमें से सिर्फ 4% कौन, सिर्फ 4% क्या है, नेशनल हाईवे है, ठीक है। लेकिन अगर हम परिवहन की बात करेंगे, मतलब जब हम आने जाने की बात करेंगे, तो 40% हम यूज करते हैं किसका, नेशनल हाईवे का, परिवहन के रूप में, ठीक है। और हाँ एक बात और, मध्य प्रदेश से टोटल 22 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। बहुत सारी बुकों में आपको कहीं 46 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 36 मिलेगा, लेकिन नहीं, मैंने डेटा कलेक्ट किया है तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में टोटल 22 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। और बात करेंगे इसकी, सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे की लंबाई है वह किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करेंगे तो यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद अपना मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर आता है जहां पर नेशनल हाईवे की लंबाई है, मतलब सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो यूपी का नंबर आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, वह है NH 44, ठीक है। वैसे तो पहले NH 7 था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके NH 44 कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम MP में बात करेंगे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो कौन सा है, वह है NH 3। NH 3 और NH 3 कहां से कहां तक जाता है, यह जाता है आगरा टू मुंबई, कहां से, आगरा टू मुंबई, जो NH 3 है यह आगरा टू मुंबई जाता है, और उसके बाद आता है कितना अपना NH 44, और उसके बाद आता है NH 12, ठीक है। तो कौन सा आता है, NH 12 आता है, ठीक है। और मैं बात कर दूं जो सबसे बड़ा NH 3, जो MP का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपसे लंबाई भी पूछ ले, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी, 717 किलोमीटर, कितनी है, 717 किलोमीटर NH 3 की टोटल लंबाई है, जो कहां से कहां तक जाता है, आगरा टू मुंबई तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, हमने अभी बात करी सबसे बड़े नेशनल हाईवे की, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे सबसे छोटे नेशनल हाईवे की। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH 339B, मतलब NH 339B। अभी हाल ही में जेल प्रहरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपको याद रखना है NH 339B, और उसके बाद NH 927 से, फिर NH 76। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे MP से नहीं गुजरता है, तो आपको टोटल 22 के 22 याद करने हैं। मैं एक बार आपको हो सके तो रिवाइज करवा दूं, ठीक है। चलो हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, क्विक तरीके से। देखो, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी, आप सभी जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2005 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2005 को क्या किया गया था, सड़क वर्ष घोषित किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 64,923 किलोमीटर, उसमें से 8,010 किलोमीटर नेशनल हाईवे की है और 11,390 किलोमीटर स्टेट हाईवे की है, ठीक है। वैसे मैंने ये दो ही आपसे पूछ सकता है। और आपको बताना है कि सड़कों का सबसे, मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व
वाला जिला कौन सा है, तो सतना। और सबसे कम सड़क घनत्व वाले जिले की बात करेंगे तो श्योपुर। अगर सड़क घनत्व की बात करेंगे तो 31 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर में, और भारत में 83, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई 52 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो अपना अभी टोटल रोड है उसका सिर्फ 4% हिस्सा नेशनल हाईवे का है। और अगर हम परिवहन की बात करेंगे तो हम परिवहन का 40% यूज हम नेशनल हाईवे का करते हैं। मध्य प्रदेश से टोटल 22 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जिसमें से सर्वाधिक अगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो लंबाई की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई पड़ती है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH3, NH44 और NH12। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो NH 339B, NH 927A और NH 76, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।